हेलो फ्रेंड्स, परफेक्ट किचन राजस्थानी में आपका स्वागत है। आज मैं बची हुई रोटी से दो नई रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बिल्कुल आसान है। अपनी मनपसंद की कोई भी सब्जी से इसे आसानी से बना सकते हैं और इसको बच्चे तो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। शाम की चाय के साथ अगर बनाकर खिलाई जाए तो बड़े को भी बहुत ज्यादा पसंद आती है। हल्की फल्की भूख में भी इसको बनाकर आसानी से खाया जा सकता है, ना किसी एक्स्ट्रा सामान की जरूरत होती है। जो भी सब्जी अवेलेबल होती है हम उसको यूज में ले सकते हैं। इसे बनाना भी एकदम आसान है और ये देखने में भी इतनी सुंदर लग रही है, उतनी खाने में टेस्टी है। और दूसरी रेसिपी में हमने बहुत सारी फिलिंग भरी है, आप अपनी पसंद से कुछ भी भर सकते हैं। ये भी देखने में खाने में दोनों में बहुत सुंदर लगती है। शाम की चाय के साथ इसे भी बनाकर एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले तीन रोटियां ली है। ये बची हुई रोटियां हैं, आप फ्रेश भी ले सकते हैं और कम ज्यादा भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम एक रोटी को लेंगे और इसको ट्रायंगल शेप में कट कर लेंगे। रोटी को मैंने ट्रायंगल शेप में कट कर लिया है, अब हम एक रोटी को ट्रायंगल शेप में ही कट करेंगे। मैं आज दो रेसिपी बताने वाली हूँ, एक हम ट्रायंगल की बनाएंगे और दूसरी एक साबुत रोटी की बनाएंगे। दोनों रेसिपी शानदार है, आप चाहे तो एक भी बनाकर ट्राई कर सकते हैं। जो रोटियां बची हुई बेस्ट समझते हैं उसके लिए ये चाट, आप रोटी चाट बोल सकते हैं, रोटी पिज्जा बोल सकते हैं, जो अच्छा लगे जो बोले। मैंने सारी रोटियों को कट कर लिया है। अब गैस के ऊपर एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें तेल डाल देंगे और तेल को गर्म होने देंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है, अब जो रोटी मैंने साबुत बचा कर रखी थी उसके साथ कुछ नहीं करना, जैसी थी ऐसे कैसे हम तेल में डाल देंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे तब तक ये क्रंची नहीं हो। अदल बदल के दोनों तरफ से करनी है। रोटी को हमने ऐसे ही फुलाना है, अगर हम इसमें छेद करेंगे तो ये फूलेगी नहीं। रोटी ऐसी लेनी है जिसमें छेद नहीं हो, तभी ये नाश्ता है जो अच्छा सा बन पाएगा। रोटी हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, ये पूरी फूल चुकी है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब जो हमने ट्रायंगल शेप में कट करके रखी थी वो थोड़ी थोड़ी करके डाल देंगे, एक साथ नहीं डालनी है। इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे क्रंची होने तक। हमारे ये ट्रायंगल भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब इनको भी बाहर निकाल लेंगे और जो बाकी बचे हुए हैं उनको भी डाल देंगे। रोटियों को मैंने फ्राई अच्छे से कर लिया है। अब मैंने पनीर लिया है जिसको छोटे छोटे क्यूब में कट कर लिया है और आलू को भी सेम पनीर की तरह ही कट किया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके तेल में डाल देंगे और एकदम क्रंची होने तक फ्राई करेंगे। ये आलू भी हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, हमें ऐसे ही फ्राई करना है। अब इनका तेल निकाल देंगे अच्छे से झाड़ कर और इसको बाहर निकाल लेंगे एक प्लेट में। इसी तरह हम बाकी बचे आलू को भी फ्राई कर लेते हैं। सारे आलू को हमने फ्राई कर लिया है, अब जो पनीर रखा हुआ है उसको भी हम आलू की तरह ही सेम फ्राई करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे तेल में, लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे ताकि एक तरफ से ये जले ना और सारी तरफ से लगातार सिकता रहे। सारी चीजों को हमने फ्राई कर लिया है, मैंने थोड़े कॉर्न के दाने लिए थे उनको भी फ्राई किया है। और अब जो हमने साबुत रोटी ली थी उसका हम बीच बीच का थोड़ा पार्ट हटा देंगे। अब हम इसमें शेजवान सॉस लगाएंगे अंदर थोड़ा थोड़ा। सारे में अच्छे से लगा देंगे। अब हम ग्रीन चटनी लगाएंगे इसमें थोड़ी, ताकि इसका स्वाद जो इतना चटपटा हो हर किसी को पसंद आए। टमाटो केचप लगाएंगे, थोड़ी शिमला मिर्च रखेंगे अंदर, अच्छे से रख देंगे सारी में फैलाते हुए। थोड़ी कटी हुई गाजर, टमाटर थोड़े, ये सब थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही लेना है। अब जो हमने फ्राई करके आलू रखे थे वो डाल देंगे, थोड़े से कॉर्न के दाने, पनीर,
अब हम इसके ऊपर नमक डाल देंगे ताकि हमारी जो सब्जी आए अंदर उसमें अच्छे से नमक लग जाए। काली मिर्च चारों तरफ से अच्छे उठाकर डाल देंगे ताकि सब में अच्छे से मिक्स हो। अब इसको रोटी को हाथ में उठाएंगे और अच्छे से हिला देंगे ताकि जो नमक और काली मिर्च लगाई है वो सारे में अच्छे से लग जाए। अब हम एक चीज की स्लाइस लेंगे और वो इसके अंदर रख देंगे। उंगलियों से दबाते हुए सारे को अंदर रख देंगे। यह नाश्ता हमारा सेट हो चुका है। अब हम एक मिट्टी का तवा लेंगे, आप कढ़ाई भी ले सकते हैं, और गैस को चालू कर देंगे और ये रोटी को उठाकर इसके ऊपर रख देंगे। ऊपर से कवर कर देंगे और 2 मिनट के लिए अच्छे से सिकने देंगे। अब हमने दूसरी वाली रोटी ली है और इसको सेफ गोल जो थी जो हमने दे दिया है। अब हम दही लेंगे, दही फेटा हुआ होना चाहिए और खट्टा भी नहीं हो। थोड़ा थोड़ा करके रोटी के ऊपर लगा देंगे। अब टमाटो केचप लेंगे, इसको भी थोड़ा थोड़ा करके रोटी के ऊपर लगाएंगे। अब जो पनीर और आलू को हमने फ्राई करके रखा था वो भी इसके ऊपर लगा देंगे। साथ में कॉर्न के दाने भी लेंगे। शेजवान चटनी रखेंगे ऊपर से। काली मिर्च डाल देंगे। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। अब हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। आप चाहे जो भी इसको नाम दे सकते हैं, और ये खाने में इतना टेस्टी है कि हर कोई इसको पसंद करके खाता है। बच्चे को तो खासी पसंद आती है, और जो रोटी हमारी वेस्ट बन जाती है उससे हम ये नाश्ता आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब 2 मिनट हो चुकी है हमारी रोटी को रखे हुए, गैस को बंद कर देंगे और इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ये बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसमें ऊपर से मेयोनीज डाल देंगे। अगर आप लाइक करते हैं तो डालें, वरना इसके बगैर भी खा सकते हैं। ये देखने में बहुत सुंदर लग रही है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। बच्चे इसको बहुत पसंद करके खाते हैं। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें।